सब्सक्राइब कीजिए टेक प्रो चैनल को और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस घंटी को जरूर दबाएं। गाइस ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सबकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, मगर साइंटिफिक तरीके से कुछ ऐसी ट्रेट्स और हैबिट्स हैं जो सिर्फ जीनियस लोगों में होती हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जीनियस लोगों की 10 ट्रेट्स और हैबिट्स के बारे में बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे 5 और ऐसी हैबिट्स और ट्रेट्स के बारे में पता चला है जो कि सिर्फ जीनियस और हाई इंटेलिजेंट लोगों में ही पाई जाती हैं। गाइस नंबर 5 पे है फ्रैंकली। जो लोग बिना किसी डर के किसी को भी क्लियरली कुछ बोल देते हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर फ्रैंकली अपना ओपिनियन देते हैं, उन लोगों की इंटेलिजेंसी दूसरों के मुकाबले हाई होती है। यार इसके पीछे का लॉजिक ये है कि किसी भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और साइंटिफिक तरीके से वोकैबुलरी अच्छा होना जीनियस का साइन है। गाइस नंबर 4 पे आता है सेम ब्रेकफास्ट एवरी डे। साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि हर रोज डिफरेंट ब्रेकफास्ट से हमारे ब्रेन की सोचने की शक्ति बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है। इसी वजह से हर रोज एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करने वाले लोग दूसरे के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट होते हैं। अगर आप भी हर रोज एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रदर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि इससे आप अपने गोल्स की प्रति ज्यादा अवेयर रहते हैं और यही बात आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और हाईली इंटेलिजेंट बनाती है। गाइस नंबर 3 पे आता है पीसफुल। दुनिया भर में 20% लोग ऐसे हैं जिनको कि कई तरह की आवाजें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड ज्यादा नॉइस में डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, पर साइंटिफिक तरीके से ये बात पूरी तरह से हमारी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए आप सब मान लो कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर खाना खाने के टाइम आपसे ज्यादा आवाज करता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस इंसान से ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट हैं, क्योंकि स्मार्ट लोग ज्यादा आवाज को पसंद नहीं करते। तो नंबर 2 पे आता है क्राइंग। गाइस एप्पल कंपनी के को फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स को कई बार रोते हुए देखा गया है। साइंस के मुताबिक भी चाहे कोई इंसान कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन साइंस का ये कहना है कि रोने से हमारे अंदर पैदा हुए दुखी करने वाले हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं और रोने के बाद हम मानसिक तौर पर क्लियर और स्मार्ट बन जाते हैं। गाइस नंबर 1 पे आता है ड्रीम्स। हर इंसान को रात को सोते हुए कभी ना कभी तो सपने आते ही हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में यह पाया गया है कि जिन लोगों को ज्यादा सपने आते हैं उनका IQ दूसरों के मुकाबले ज्यादा हाई होता है। तो ब्रदर अगर आपको भी रात को सोते समय ज्यादा सपने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका IQ बहुत ज्यादा हाई है और आप दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्मार्ट और हाईली इंटेलिजेंट हो। तो गाइस आप नीचे यार कमेंट में ये बात जरूर बताना कि आपके अंदर इन हैबिट्स में से कौन कौन सी हैबिट्स मौजूद हैं, और आप टेक प्रो के ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कर देना जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार कोई भी नई अपडेट के लिए टेक प्रो के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल की बाकी की वीडियोस को भी जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मैं मिलता हूँ यार अगली वीडियो में, तब तक मजे करो यार।